और अगरतला को मिला अपना न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग। त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम के नाम पे ही अगरतला एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। 450 करोड़ रुपए के लागत से इस न्यू इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट को बनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस एयरपोर्ट की उद्घाटन किया। अगरतला में ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग ऑलरेडी मौजूद है, उसके पास में ही न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को बिल्ड किया गया है। करीब 30,000 स्क्वायर मीटर्स पर ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग फैला हुआ है। द न्यू टर्मिनल इज अ स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग हैविंग मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सपोर्टेड बाय द लेटेस्ट आईटी नेटवर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम। आधुनिकीकरण के सारे साधन अगरतला एयरपोर्ट पर मौजूद है। एरोबीजी से लेकर कार पार्किंग तक, चेकिंग काउंटर से लेकर बैगेज कॉन्वेयर बेल्ट तक, स्टेट आर्ट कल्चर से लेकर स्मार्ट नेटवर्क तक, सभी तरह के आधुनिकीकरण किया गया है। न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल में 20 चेकिंग काउंटर्स, 10 इमिग्रेशन काउंटर, 6 एयरपोर्ट पार्किंग बेस, 5 कस्टम काउंटर्स, 4 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस, 1 हैंगर भी मौजूद है। एयरपोर्ट में सोलर पावर यूनिट को इंस्टॉल किया गया है, जहां से 2 मेगावाट बिजली तैयार किया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट की मोस्ट पावर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाएगा। नए टर्मिनल भवन में त्रिपुरा की समृद्धि, संस्कृति और कला को दर्शाया गया है। बंबू प्लांटेशन, उन्नति हिल्स के ट्राइबल स्टोन के स्कल्पचर, अदर ट्राइबल फॉर्म्स आर्ट से दर्शाया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पूर्ण रूप से नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आधार पर बना महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट यात्रियों की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। अगरतला के न्यू टर्मिनल निर्माण से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बाकी देश के साथ कनेक्टिविटी और ज्यादा एक्सेसिबल एंड स्मूथ हो गई है।